हेलो दोस्तों, आज आपके सामने मैं जो प्रोडक्ट लेके आया हूँ ये है डिजिटल स्कूल बेल। ये है डिजिटल स्कूल बेल। और इसका काम क्या है? इसका इस्तेमाल हम स्कूलों में करते हैं। कहाँ पे करते हैं? स्कूलों में करते हैं। जैसे कि स्कूलों में फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड को बेल बजाने के लिए प्यून को रखना पड़ता है, यहाँ पे क्या है कि ये सारी चीज़ें इसमें एक बार आप ऑटोमेटिक सेट कर देंगे और ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती रहेंगी। जैसे कि फर्स्ट पीरियड में फर्स्ट बेल बजना, सेकंड पीरियड पे सेकंड बेल बजना, लंच अनाउंसमेंट होना, ये सारी चीज़ें इसमें केवल एक बार आप प्रोग्रामिंग कर देंगे और ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती रहेंगी। तो ये इसका कैसे हम लोग सेटअप करेंगे, इसको कैसे पावर देंगे, इसके इसमें कैसे एम्पलीफायर कनेक्ट करेंगे, इसकी हम कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सिस्टम को यूज करने के लिए हमें दो चीज़ें आनी चाहिए, और वो दो चीज़ें क्या हैं? सॉफ्टवेयर सेटअप और हार्डवेयर सेटअप। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर सेटअप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर सेटअप क्या होता है। तो सबसे पहले इसे पावर ऑन करेंगे, और पावर ऑन करने के बाद अभी हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉफ्टवेयर सेटअप करने के लिए यहाँ पे एक सेटिंग का बटन है। तो जब जैसे ही हम यहाँ पे सेटिंग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कहेगा इंटर पासवर्ड। तो इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है वो 4x0 होता है। तो जैसे ही हम 4x0 इंटर करेंगे, इसका पासवर्ड इंटर करेंगे, देखिए हमारे सामने चार ऑप्शन आ गए हैं। ऑप्शन 1 टाइम सेटिंग, ऑप्शन 2 डेट सेटिंग, ऑप्शन 3 पासवर्ड सेटिंग एंड ऑप्शन 4 सिस्टम सेटिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइम सेटिंग। तो टाइम सेटिंग ऑप्शन 1 है, इसलिए हम 1 प्रेस करेंगे। तो जैसे हमने 1 प्रेस किया, अब यहाँ पे हमें टाइम सेट करने का ऑप्शन आ गया है। तो जैसे कि अभी दोपहर का 2 बज रहा है, तो यहाँ पे हम टाइम सेट कर देंगे। ठीक, अभी क्या करना है? डेट सेट करना है। तो डेट सेट करना कौन सा ऑप्शन है? 2 नंबर का ऑप्शन है, तो हम 2 प्रेस करेंगे। तो डेट सेट करने से पहले हमें डे डिफाइन करना होगा कि आज कौन सा दिन है। तो आज सैटरडे है, सैटरडे कितने नंबर पे है? 6 नंबर पे है, तो हम यहाँ पे 6 प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हमने 6 प्रेस किया, अब डेट तो डिफाइन हो गया, अभी हमें डेट यहाँ पे इंटर करना है। तो आज का जो डेट है 03/12/22, ये हमारा डेट सेट हो गया है। ऑप्शन 3 जो है वो पासवर्ड सेटिंग है, यहाँ पे आप पासवर्ड जब 3 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। तो अभी हम पासवर्ड चेंज नहीं करेंगे, तो फिर हम वही 0000 इंटर कर देंगे और डाटा वही रहेगा। अगर हम वहाँ पे कुछ और प्रेस करते हैं तो वो चीज़ें सेव हो जाती हैं। ऑप्शन 4 क्या है? सिस्टम सेटिंग। तो यहाँ पे हम क्या प्रेस करेंगे? 4 सिस्टम सेटिंग। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट प्रोफाइल और सेट शेड्यूल। तो प्रोफाइल क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं, समर में स्कूल का शेड्यूल कुछ और होता है, विंटर में स्कूल का शेड्यूल कुछ और होता है, हाफ डे के दिन स्कूल का शेड्यूल कुछ और होता है, एग्ज़ाम के टाइम में भी डिफरेंस होता है। तो एक बार हम लोग प्रोफाइल बना लेते हैं और उस प्रोफाइल में हम लोग शेड्यूल सेट कर देते हैं, और फिर अपने आवश्यकता अनुसार जो भी जिस भी शेड्यूल की ज़रूरत होती है उस प्रोफाइल को हम लोग सेट कर लेते हैं। जैसे कि अगर हमें समर का प्रोफाइल चाहिए तो हम समर यानी 1 नंबर के बटन को अगर 2 बार हम प्रेस करेंगे तो ये समर सेट हो जाएगा। 2 नंबर बटन को हम प्रेस करेंगे 2 बार तो ये विंटर सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे आप कि ये फिर आप वापस अपने होम स्क्रीन पे आ गया है। क्यों? क्योंकि आप 30 सेकंड तक अगर कुछ भी बटन प्रेस नहीं करेंगे तो वापस से अपने ही ये होम स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट और टाइम सेट हो गया है, और यहाँ पे नॉट सेट, मतलब यहाँ पे अभी कोई शेड्यूल सेट नहीं है। तो फिर से हम सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद पासवर्ड इंटर करेंगे, पासवर्ड इंटर करने के बाद 4 नंबर प्रेस करेंगे, सिस्टम सेटिंग, सिस्टम सेटिंग पे प्रोफाइल सेट करेंगे। अब यहाँ पे प्रोफाइल, जैसे हमने प्रोफाइल के अंदर आए तो यहाँ पे 6 टोटल 6 प्रोफाइल आ रहे हैं, समर, विंटर, एग्जामिनेशन, कस्टम, हाफ डे, काफ़ी प्रोफाइल हैं, 6 प्रोफाइल हैं यहाँ पे। तो हम सबसे पहले समर के लिए सेट करेंगे 1। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 01। 01 क्या है? ये सीरियल नंबर है कि आप कितने इवेंट सेट करना चाहते हैं। इसमें आप टोटल 30 इवेंट सेट कर सकते हैं। इसमें जहाँ पे टाइम क्वेश्चन मार्क दिख रहा है सेकंड नंबर पे, ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या है? टाइम सेट करना है कि कितने बजे आपका जो अलार्म है वो बजना चाहिए, टोन आपका बजना चाहिए। और नंबर 3 क्या है? जो फाइल है, ये कौन सा टोन बजना चाहिए। तो हर टोन के लिए अलग अलग कोड होता है, जैसे कि पीरियड नंबर 1 के लिए 01, पीरियड नंबर 2 के लिए 02। ऐसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं जितना हमें यूज़ करना है, अभी तो हमारी स्क्रीन पे है, बाकी के कोड आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे दो चीज़ें हैं, ऑप्शन 1 एडिट, ऑप्शन 2 नेक्स्ट। अगर आप 1 दब प्रेस करेंगे तो ये एडिट होगा। जैसे हमने 1 प्रेस किया, अभी एडिट का ऑप्शन आ गया। तो हमें कितने बजे प्रेस टाइम सेट करना है? 9:30। तो 9
30। टोन कौन सा चाहिए? पीरियड नंबर वन के लिए जो टोन है उसके लिए कोड क्या है? 01। तो हम यहाँ पे 01। ये सारे कोड जितने भी इसमें कोड हैं सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब सीरियल नंबर टू पे हमें क्या सेट करना है? 10 AM पे पीरियड नंबर टू। तो हम इसे यहाँ पे सेट कर लेंगे। ऐसे ही हम सारा का सारा सेट कर लेंगे। अब हम इसका हार्डवेयर सेटअप करेंगे। हार्डवेयर सेटअप में सबसे पहले क्या करेंगे? एम्पलीफायर का सिग्नल वायर इसमें लगाएंगे। ये रहा एम्पलीफायर का सिग्नल वायर। इसमें दो वायर होते हैं, एक ग्राउंड होता है, एक ऑडियो आउटपुट होता है। ये वाला जो है ये ग्राउंड है, ये वाला है ऑडियो आउटपुट है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, वन नंबर जो टर्मिनल है वो ऑडियो आउटपुट है, टू नंबर है ग्राउंड है। तो हम इसे कनेक्ट कर लेंगे। अभी ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब इसमें 3 नंबर और 4 नंबर क्या है? एज स्विच है। ये हमें कहाँ लगाना है? एम्पलीफायर के पावर में लगाना है। ध्यान रहे पावर को बहुत सावधानी से लगाना है, यहाँ पे एसी करंट आएगी। 3 नंबर और 4 नंबर एज स्विच होगा। अभी ये हमारा कनेक्शन हो गया है 3 नंबर और 4 नंबर में। अब इसको क्या करना है? इसको हमें जाके सिंपली स्विच में कनेक्ट कर देना है। किस स्विच में? जिससे हमारा एम्पलीफायर ऑन ऑफ होगा उसी स्विच में हमें इसे कनेक्ट कर देना है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे करना है। अब हम इसका कनेक्शन करेंगे बोर्ड में। अब इसमें क्या करना है? अपना ये जो वायर लग रहा है, ये जो हमारा स्विच है, ये स्विच है, बस एक वायर हमें इसमें कनेक्ट कर देना है और एक वायर बस ऐसे इसमें कनेक्ट कर देना है। सिंपल है, बस एक वायर ऐसे और एक वायर ऐसे। इसका कनेक्शन देखकर आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें मैंने एक इंडिकेटर लगाया हुआ है ताकि हमें पता चले कि कब हमारा एम्पलीफायर ऑन हो रहा है और कब हमारा एम्पलीफायर ऑफ हो रहा है। बस इसी लिए हमने एक इंडिकेटर लगाया है जिसकी वजह से कनेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको दिख सकता है। अभी हम इसका कनेक्शन कर लिए हैं। सिंपली इसका क्या करना था, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक वायर इसमें ऐड करना था और एक वायर इसमें ऐड करना था। तो बस हो गया है सिंपली। अगर आप इलेक्ट्रिशियन नहीं है तो ये काम ना करें, ये रिस्की हो सकता है। आप मैन्युअली भी ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने एम्पलीफायर को। अभी हमारे डेमो के लिए रेडी है और अभी हम ये देख सकते हैं कि अभी ये जो है समर मूड पर सेट है। तो हमें अपनी जो टेस्टिंग करनी है वो कस्टम मूड पर करनी है। तो कस्टम मोड के लिए हम 4 नंबर को 2 बार प्रेस करेंगे और जैसे हम 2 बार इसको प्रेस करेंगे ये कस्टम मोड पे सेट हो जाएगा। अभी हम देख सकते हैं ये कस्टम मोड पे सेट हो गया है और इसके कंप्लीट वायरिंग और कनेक्शंस वगैरह हो चुके हैं। तो डेमो देखते हैं। This is period number 1. जैसा कि आप देख सकते हैं एम्पलीफायर का पावर ऑटोमेटिक ऑन हो जा रहा है जब भी अनाउंसमेंट हो रहा है और अनाउंसमेंट कंप्लीट होने के बाद पावर ऑटोमेटिक ऑफ हो जा रहा है। आप इसे मैन्युअली भी ऑन ऑफ कर सकते हैं एम्पलीफायर को। और अब यहाँ से आगे बस डेमो ही है, तो आप चाहें तो वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं और आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, इसे ख़रीदना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं होलसेल के लिए या फिर सिंगल यूज़ के लिए, तो आप नीचे दिए गए कांटेक्ट पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं।
This is period number 3. This is period number 4. Good morning, everybody. This is time for lunch. Students are instructed to stay in their own class and complete their lunch. I wish you healthy body and healthy mind. Thanks. Lunchtime is over now. All students are instructed to get back to your classrooms. Good afternoon. Now school has over. All parents and visitors are requested to stay outside to receive your awards. Students will leave the class silently and properly. Thank you and good day.